नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल जारी, 14 दिसंबर से होगी काउंसलिंग। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पंचायत चुनाव के बाद शुरू होगी। शिक्षकों के नियोजन के लिए विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अब 14 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू की जाएगी। बिहार में तकरीबन 14,000 शिक्षक पदों पर काउंसलिंग पंचायत चुनाव के कारण 12 दिसंबर तक स्थगित की गई थी। राज्य की 9,000 नियोजन में से 1,300 इकाइयों में करीब 14,000 शिक्षकों की भर्ती का काउंसलिंग शेड्यूल बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जारी करने वाला था। इसे लेकर संबंधित जिलाधिकारियों से निदेशालय ने सुझाव भी मांगे थे, लेकिन तभी पंचायत चुनाव सामने आ गया, जिसके मद्देनजर इसे 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब पंचायत चुनाव के बाद यानी कि 14 दिसंबर से नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 14 दिसंबर से शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग की जाएगी। वो काम पुलिस नहीं कर पाई, अब वह बच्चे करेंगे। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाएंगे स्कूली बच्चे। यह बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन खबर 100% सही है। राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा पुलिस और प्रशासन के ऊपर था, लेकिन हाल के वक्त में जहरीली शराब कांड और अन्य मामलों ने पुलिस की विफलता को उजागर किया है। जो काम राज्य की पुलिस नहीं कर पाई, अब उसे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों में शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर यह बात कही थी कि जन जागरूकता के अभियान में तेजी लाई जाएगी। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2 करोड़ बच्चे मद निषेध के लिए जागरूकता दूत बनेंगे। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर नई व्यवस्था, सीओ के साथ राजस्व अधिकारी भी करेंगे म्यूटेशन। बिहार सरकार राजस्व अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र बड़ा करने जा रही है। अंचल अधिकारियों के साथ साथ दाखिल खारिज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी देने पर विचार किया जा रहा है। बिहार में दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन को लेकर नई व्यवस्था जल्द ही लागू कर दी जाएगी। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने खुद इसकी जानकारी दी है। मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा राजस्व अधिकारियों के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान खुद की है। मंत्री ने कहा कि हम अब राजस्व अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को जाति आवास एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने पर पहले ही फैसला किया जा चुका है, और इन सभी अधिकारियों को अपने डोंगल से काम करने का अधिकार होगा। राजस्व अधिकारियों के लिए नया डोंगल बनवाया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारियों को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। रामसूरत राय ने कहा कि अंचल अधिकारियों के पास पहले से ही काफी ज्यादा दायित्व है, इसीलिए उनके कार्यों को अब अधिकारियों के पास अधिकृत किया जाएगा। बिहार सरकार में अनुकंपा पर बहाली का नियम बदला, सरकारी सेवकों की मौत के बाद उनके आश्रितों की नौकरी के लिए बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने सरकारी सेवा में रहते हुए मौत हो जाने पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में फेरबदल किया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल सरकार ने अब प्रावधान कर दिया है कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो भी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। हालांकि इससे एक शर्त भी जोड़ी गई है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए 1991 में नियमावली बनाई थी। बिहार सरकार की ओर से 5 अक्टूबर 1991 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पति पत्नी दोनों के सेवा में हो और उनमें से एक की मौत हो जाए तो फिर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी। सरकार ने अब इस प्रावधान को बदला है। सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के मामले में नया आदेश निकाला है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। शर्त इतनी है कि पति पत्नी में से जो भी जीवित बचा है वह सरकारी सेवा से रिटायर कर चुका हो यानी पेंशनर हो, सरकार ने अपने आदेश में कहा है। आदेश का उल्लंघन को लेकर 100 से अधिक शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक, डीईओ ने जारी किया निर्देश। बेगूसराय में वरीय अधिकारी के आदेश के उल्लंघन को लेकर डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने जिले के 128 शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने का आदेश जारी किया है। ऐसा आरोप है कि स्कूलों में कनिया शिक्षक रहते हुए वरीय शिक्षक को स्कूल का प्रभार नहीं दे रहे हैं, तो वरीय शिक्षक के द्वारा कनिया से प्रभार नहीं लेना है। बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को वेतन स्थगित करने का आदेश जारी होते ही शिक्षकों में
हड़कंप मच गया था। बता दें कि आदेश में सभी आरोपित शिक्षकों को प्रभार का आदान प्रदान करने संबंधी आदेश का अनुपालन करते हुए 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। कॉम्फेड में 142 पदों पर बहाली का रास्ता साफ, चयनितों को जल्द मिलेगी नियुक्ति पत्र। बिहार राज्य मिल्क कोऑपरेटिव व फेडरेशन में लेखा सहायक, विपणन सहायक, प्रापन सहायक और कनीय तकनीशियन के 142 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी ने सचिव को बहाली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह दिया है। बहाली की प्रक्रिया सितम्बर 2020 को शुरू हुई थी। 26 जून 2021 को चयनितों को अंतिम परिणाम जारी किया गया था। जुलाई में नियुक्ति पत्र जारी होता, उससे पहले मंत्री ने गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर नियुक्ति से पहले होने वाली दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को रोक दिया था। सचिवालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की बड़ी लापरवाही, प्रसूता को चढ़ा दिया गया एचआईवी पॉजिटिव खून। बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसूति महिला को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाए जाने का मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल अधीक्षक ने ब्लड बैंक के टेक्नीशियन से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं सिविल सर्जन ने जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी किया है। गौरतलब है कि एचआईवी पॉजिटिव महिला प्रसव के लिए सदर अस्पताल आई थी। प्रसव के दौरान महिला को 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी, इसके लिए ब्लड बैंक से खून लिया गया। ब्लड बैंक से खून लेने के बदले पति ने 1 यूनिट खून डोनेट किया था, जिसके बाद उसका खून ब्लड बैंक में रख दिया गया। ब्लड डोनेट करने से पहले इस शख्स ने खुद के एचआईवी पॉजिटिव होने की बात छुपा ली थी। एचआईवी पॉजिटिव खून को ब्लड बैंक में रखा गया और इसी खून को दूसरी महिला को चढ़ा दिया गया। शिक्षा विभाग खोलने जा रहा है नौकरियों का पिटारा, नीतीश सरकार 6000 से ज्यादा विद्यालयों में सहायकों की नियुक्ति करेगा। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। शिक्षा विभाग बिहार के सरकारी स्कूलों में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए स्कूलों में 6421 विद्यालय सहायकों का पद सृजित किया जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद इसकी जानकारी दी है। विद्यालय शिक्षकों की बहाली कंप्यूटर की जानकारी वाली योग्यता के साथ की जाएगी। बहाली होने के बाद स्कूलों का साइबर कैफे और वसुधा केंद्रों पर निर्भरता कम हो जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को विद्यालय सहायक की मदद से हर तरह की तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रखंड स्तर पर साइबर कैफे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नई व्यवस्था के जरिए अब विद्यालय सहायक के इन सभी कामों में मदद करेंगे। इसके अलावे विद्यालय सहायकों की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को भी पहले से दुरुस्त किया जाएगा। विद्यालय सहायक की बहाली होने से शिक्षक भी पढ़ाने के काम में अपना पूरा फोकस कर पाएंगे, उनके पास अन्य तरह के दायित्व नहीं होंगे। बालू खनन की नीलामी प्रक्रिया पूरी, बिहार के इन जिलों में जल्द शुरू होगा खनन का काम। बिहार के कई जिलों में चल रही बालू घाटों की बंदोबस्ती का काम पूरा हो गया है। पटना समेत 8 जिलों के 102 बालू घाटों पर जल्द ही खनन का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक हफ्ते भर के अंदर खनन का काम शुरू होने की उम्मीद है। जिन जिलों में बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है उनमें पटना के साथ साथ सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय शामिल है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार खनिज विकास निगम ने बंदोबस्तधारियों को अग्रिम राशि जमा करने का निर्देश दिया है। नीलामी में सफल होने वाले कारोबारियों को 4 दिन के अंदर निगम के पास अपनी राशि जमा करनी होगी। नीलामी के दौरान जो बोली लगाई गई है उसकी राशि 50% GST के साथ जमा होते ही नए बंदोबस्तधारियों को वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और बालू खनन का काम वह शुरू कर पाएंगे। बिहार में होगी जातीय जनगणना, नीतीश ने तेजस्वी को दिया भरोसा, जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार से लगभग आधे घंटे तक हुई बातचीत के बाद नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दल के नेताओं के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिया है
तेजस्वी ने कहा कि बिहार में इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लंबे अरसे से जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने जब जातीय जनगणना को खारिज कर दिया है तो बिहार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराई इसकी जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने आज एक बार फिर इसी मामले को लेकर मुलाकात की थी। तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले पर एकजुटता दिखाई है। विपक्ष की एकजुटता का ही नतीजा है कि सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराने को तैयार हो गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।